कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही। पुलिस वालों को हमेशा आपने रौब में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में रोते हुए सिपाही को देखकर मानवता के नाते आप भावुक जरूर हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर क्या मामला है और क्यों ये सिपाही फूट फूट कर ऐसे रो रहा है। दरअसल फूट फूट कर रोता हुआ सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान है, जो कि फिरोजाबाद में पुलिस लाइन के सामने बुधवार को खाने की थाली लेकर हाईवे पर बैठ गया था और उसने विभाग के ही वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सिपाही मनोज कुमार का आरोप है कि मेस के खाने की गुणवत्ता काफी खराब है और वो दो दिन से भूखा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। सिपाही का कहना है कि जो रोटी उन्हें दी जाती है वो जानवर भी नहीं खा सकते हैं। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले की जांच एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह ने सीओ हीरालाल कनौजिया को सौंपी है। सिपाही मनोज कुमार ने लोगों से वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की भी अपील की है, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी तक उसकी बात पहुंच सके। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरे साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्ते को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मोहल्ले द्वारा, कर्णा द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय के नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा, फोन काट दो बंदा प्रकाश करा के घर भेज दूंगा, मैं डीजीपी का पीएस तो बोलना हूँ। एडीजी आ गया साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनम निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही।